शुभ प्रभात मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए, ठीक है बच्चों? आप लोग सभी हिंदी व्याकरण रोहिणी निकालिए। अध्याय 4 अभ्यास कार्य। देखिए अभ्यास कार्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, ये पेज नंबर 24। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ सही जो है उसमें राइट देना है। क, सचिन किसका नाम है? व्यक्ति का। बचपन सबसे पता चलता है क्या? तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ, आप लोग सिर्फ देख लीजिए। सचिन किसका नाम है? व्यक्ति का। बचपन शब्द से पता चलता है भाव का, ठीक है? ये भाववाचक संज्ञा से है। संज्ञा के भेद होते हैं 3। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। देखिए संज्ञा का अर्थ होता है 3 ठो दिया है, नाम विशेषण काम, नाम विशेषण काम। तो उत्तर होगा क्या? नाम। नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द चुन कर लिखिए। क, ख, ग, घ, अंग। तो क, ख, ग का उत्तर होगा, देखिए, माँ बाजार गई है, तो उत्तर होगा बाजार। बच्चा पतंग उड़ाता है, तो उत्तर होगा क्या? पतंग। वह पिकनिक मनाने गोवा जा रहा है, तो उत्तर होगा गोवा। आपको संज्ञा सबको चुनकर लिखना है। अभी देखिए घ, पिताजी कल आगरा जाएंगे, तो नंबर 2 घ उत्तर होगा आगरा। इमली में बहुत खटास है, तो उत्तर होगा खटास। नंबर 3, संज्ञा शब्द लिख कर खाली स्थान भरिए, ठीक है? ये खाली स्थान को भरना है। अभी देखिए क, संज्ञा का अर्थ है नाम। ख, नदी के किनारे मेला लगा है। ग, जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का पता चलता है। घ, सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अंग, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद देखिए नंबर 4, संज्ञा शब्द लिखिए। 3 ठो लिखना है, व्यक्तियों के नाम, भावों के नाम 3 ठो, और स्थानों के नाम 3 ठो, वस्तुओं के नाम 3 ठो। तो मुझे फॉलो कीजिए। देखिए व्यक्तियों के नाम सचिन तेंदुलकर, अर्पिता दास, विकास सरकार, ठीक है? भावों के नाम सर्दी, मिठास, बचपन, ठीक है? नेक्स्ट, देखिए स्थानों के नाम नैनीताल, पर्वत, नदी। वस्तुओं के नाम नौका, किताब, गुड्डा। नंबर 5, देखिए नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भावों के नाम बताइए, वीरता, बुढ़ापा, मिठास। वीरता, बुढ़ापा, मिठास। लिखित प्रश्न, ये 3 है मौखिक प्रश्न, अभी है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 6, क, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 6, ख, प्रश्न,
संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा के भेदों के नाम क्या है बोलिए। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ग प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। घ प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पूरा हो गया उत्तर जितना था 6 तक। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी। पेज 26 निकालिए। ये रचनात्मक कौशल जो है पेज 26, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क देख लीजिए, रचनात्मक कौशल पेज 26। तो आप लोग इसको रचनात्मक जो कौशल का जो पढ़ाई मैं दी हूँ उसको आप लोग अब अच्छे से घर में कीजिए। और इसका जो प्रश्न उत्तर और जितना है आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों।